भारत सरकार के रक्षा और टूरिज्म के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को स्थानीय IIMT स्थित जेवी माइक्रोनिक कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों को सम्मानित कर उन्हें संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को लॉन्च किया। अनुभव तो अच्छा है। ये 9 सालों में माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस किस्म से अपना भारतीय पद्धति से बनाने के लिए अपने देश में निर्मित चीज़ों को प्रयोग में लाया गया है, वो ऐतिहासिक है। चंद्रयान में सारे कलपुर्जे भारतीय हैं, दुनिया हिल गई एक किस्म से। किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से हम बना देंगे। आपने देखा है कि आज हमने जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं उन पर बाहर रोक लगा दी आने के लिए। हम क्या नहीं कर रहे हैं आज, हमने INS विक्रांत बनाया है, देश को समर्पित किया है। अभी चंद्रयान हमने बनाया है। अगर हमारे वैज्ञानिक हताश हो जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता प्रयोग करने के लिए, क्योंकि एक बार थोड़ा सा हम रह गए थे, मोदी जी उत्साह वर्धन नहीं करते, कहा कि आगे बढ़ो, चिंता मत करो, सफल होंगे। और सफल हुए, ऐसी जगह सफल हुए जहां दुनिया का कोई भी चंद्रयान नहीं जा पाया। वही कंपनी के प्रबंधक ज्योत्सना काला ने बताया कि वे डिफेंस के लिए ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री ने रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को लॉन्च किया है। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो इस प्रकार था कि हमने काफी जो हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनको उनकी जो टेस्टिंग होती है, जो उनकी पढ़ाई होती है, उनके लिए उनको टेस्ट चेंबर्स चाहिए होते हैं। मगर क्या होता है कि उनकी क्योंकि फंड कुछ कम होता है, उस वजह से वो ले नहीं पाते, परचेज नहीं कर पाते। तो जेवी माइक्रोनिक्स ने आज एक CSR एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस को पैन इंडिया से हमने 7 कॉलेजेस चुने हैं। एक बहुत विग्रेस सा प्रोसेस था, उसके बाद 7 कॉलेजेस चुने गए और उन 7 कॉलेजेस को पूरे इंडिया में से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर में डिवाइड करके उनको आज इनवाइट किया गया है। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म श्री अजय भट्ट जी हैं, उनके हाथों द्वारा हमने वो गिफ्ट उनको दिया है आज। तो ये हमारा आज का इवेंट। इस अवसर पर जेवी माइक्रोनिक कंपनी के निदेशक महेश काला समेत उद्योगपति और कई गणमान्य वैज्ञानिक मौजूद रहे। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।